डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं, इन सब चीजों पे एक एक करके हम लोगों ने एग्जाम्पल लेते हुए डिस्कशन किया। कहां कहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब डिस्कशन। अब हम लोग उसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कैले हैमिल्टन थ्योरम पे आते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है पहले इसके बारे में बात किया जाए या जानते हैं लिमिटेड थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं। एएफटी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सटिस्फाई करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस स्टेटमेंट के अनुसार अगर कोई दिया गया मैट्रिक्स ए है, इफ कैरेक्टर ए With any square matrix of order n cross n, then its characteristic equation अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर n बाई n का मतलब उस मैट्रिक्स में n रोज और n कॉलम्स है, तो उस कंडीशन में उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। यह आप देख चुके हैं कि अगर 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल इक्वेशन होता था वो सेकंड ऑर्डर का होता। 3x3 की मैट्रिक्स होती थी तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता था वह थर्ड डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलीनोमियल इक्वेशन होता। तो अगर n x n की स्क्वायर मैट्रिक्स तो भी आपको पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लेते हैं लैम्डा की आर हम हो गया a0 लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 एंड तक जाएगा प्लस an इज इक्वल टू c। देखिए लैम्डा डिग्री लैम्डा क्या है, यानी है डिग्री का एक पॉलीनोमियल इक्वेशन। वो कहा यह इस दिए गए n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल इक्वेशन का। तो अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम दिस कैन बी रिटन एज a0 a टू द पावर n लैम्डा क्या करेगा a, क्योंकि कहा गया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मतलब हम मैट्रिक्स a इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से a0 e टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 a टू द पावर n माइनस 2 एंड पर डॉट 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 प्लस an और i विद द i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ये इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम इसके प्रूफ में नहीं आ रहे हैं, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। जरा सा देखा जाए हमें दो ही चीजें इसमें आनी चाहिए। हाँ,
एक और इससे डिस्कस करते हैं, वो बाद में बात करेंगे कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है तो विद द हेल्प ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ कैले-हैमिल्टन थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं वो हम देखेंगे। एक प्रॉब्लम लिखा है आपके सामने, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स नंबर वन वन टू टू माइनस वन नंबर टू वन टू थ्री टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स। देखिएगा दो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है, एक टू क्रॉस टू की स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, थ्री क्रॉस थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और कहा जाए इन दोनों दिए गए मैट्रिक्स के लिए पहले हैमिल्टन थ्योरम को क्या करिए वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम अपने को सबसे पहले साफ करने जा रहे हैं तो क्या उसके लिए हम लेट या गिवन दैट हमने यहाँ से आ गिवन दैट जो दिया गया है मान लेते हैं जो दिया गया वह ए है, ए इक्वल्स टू क्या वन टू टू माइनस वन आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या लिखते हैं आप डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा वर्जन वन माइनस लैम्डा टू टू माइनस वन माइनस या ऐसे लिखे माइनस वन माइनस लैम्डा इस डिटरमिनेंट को आप साफ करेंगे तो माइनस का मान लेते हो तो माइनस वन माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन लेके माइनस का मान लेते हैं इसे वन प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस से फोर का मल्टीप्लाई कर दिया और ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू लैम्डा वन प्लस फोर दैट इज फाइव फाइव माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और राइट लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू इट इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है इट सेज बाय कैले-हैमिल्टन By Kelly-Hamilton here, every square matrix satisfies its own characteristic equation. Therefore, by one, हम lambda की जगह क्या लिखेंगे a, तो ये हो जाएगा a square minus five i is equal to zero, same equation number। क्योंकि आपने कहा Kelly-Hamilton theorem के कारण कहा Kelly-Hamilton ने कहा कि every square matrix satisfies its own characteristic equation, तो जो equation number one दिया हुआ वो दिए गए matrix का characteristic equation था। अब अगर ये दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो कैले-हैमिल्टन क्या कहता है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, इसका मतलब लैम्डा की जगह हम ये रखते हैं ये इक्वेशन क्या होगा सैटिस्फाई a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू। नाउ अब हमारे सामने इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिए a स्क्वायर और आप जानते हैं a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इनटू a
a क्या है वर्तमान का, दैट इज 1 2 एंड 2 माइनस, ऐसे दूसरा मैट्रिक्स 1 2 2 -1 a लिया है सामने। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वर्तमान में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 * 1 मल्टीप्लाई करें 1 आएगा प्लस 2 * 2 4 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 * 2 2 प्लस 2 * -1 दैट इज इक्वल टू -1 फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस -2 फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 1 सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा 5 0 0 5 दिया गया है। और नाउ वेरिफिकेशन करें इसका, अब इस कंडीशन में हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर क्या होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 0 0 5 माइनस 5 5 आई के लोग का सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 याद है आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा 0 0 0 एंड फाइनली इसको हम कर सकते हैं जैसे इक्वल टू 0 एंड ये भी आपका क्या है राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि a स्क्वायर माइनस 5 5 इक्वल टू क्या है 0, इट मींस कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। अब एक दूसरा प्रॉब्लम भी ले रखा है आपके सामने, उसको भी देखा है, उसको भी वेरीफाई किया है कराया है। इस पर भी आते हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं सॉल्यूशन में है a इक्वल्स आई लेट a इक्वल्स 1 2 3 2 4 5 3 5 6 सबसे पहले इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 r a माइनस लैम्डा इज 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 4 माइनस लैम्डा 5 3 5 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, पहले 1 माइनस लैम्डा लिया हुआ है माइनस 3 इंटू 5 मीन्स माइनस 15 लेट प्लस फिर लिया ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल किया 2 5 जब 10 माइनस 3 इंटू 4 माइनस लैम्डा। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है लोगों को, ये हो गया 1 माइनस लैम्डा, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 6 जब 24 4 24 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा मींस हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 7 दैट टोटल माइनस 10 लैम्डा माइनस इनटू माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर सर माइनस 25 ओके इधर माइनस 12 माइनस 50 माइनस लिख दे रहा है माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू लैम्डा धीरे धीरे स्किप करते हैं प्लस 10 माइनस 12 10 माइनस 12 दैट इज माइनस टू एंड माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 दिया गया है। नाउ 1 माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा
24 माइनस 25 दैट इज माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन, वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 1, फिर माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस इनटू माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, फिर जो माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस 2 लैम्डा प्लस ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 13 लैम्डा प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल टू अरेंज करते हैं इसको लिख सकते हैं माइनस लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर दैट इज प्लस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 13 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा दैट इज माइनस 4 लैम्डा ये जो इक्वेशन आपको मिला लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल 0, इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो कार इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल एक्स। हेंस by Kaler-Hamilton's theorem का क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आप देख भी सकते हैं दिया गया मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो अब इसलिए आपको पता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वह क्यूबिक इक्वेशन होगा। देखिएगा ये क्यूबिक इक्वेशन आपको मिला क्योंकि केलर-हैमिल्टन कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स है जिसका यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वही मैट्रिक्स इक्वेशन को सैटिस्फाई भी करेगा केलर-हैमिल्टन के अनुसार, पर देन हेंस बाय केलर-हैमिल्टन थ्योरम भी है। और वो क्या है, ये लिख सकते हैं a टू माइनस 11 a स्क्वायर माइनस 4 a प्लस 1 की जगह हमने लिख दिया है r इज इक्वल टू, अगर 2 लिखा होता तो 2 आई तो 3 लिखा होता तो यह एक अंतिम बात सकती था r, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब किन किन चीजों की आवश्यकता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे को होगा जिस आर्डर की दी गई मैट्रिक्स, तो 3x3 आर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ए वो ऑलरेडी आपको दिया गया है, ए स्क्वायर नहीं है, ए क्यूब नहीं है, तो ए स्क्वायर का मतलब है दिए गए मैट्रिक्स का दिए गए मैट्रिक्स से एक बार प्रोडक्ट करना है, तो हम ए स्क्वायर ए क्यूब पहले ऑब्टेन कर लें निकाल लें तब जाके हम उस इक्वेशन को वेरीफाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप निकालते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू ए, ए आपका है 1 2 3 2 3 4 5 5 6, ये आपका मैट्रिक्स, हाँ 1 2 3 2 4 5 3 5 6, फिर इसमें दिए गए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना 1 2 3 2 4 5 3 5 6,
इसका प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करना है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको मालूम है, आर वन सी वन, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो तो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो वन इंटू वन वन, प्लस टू इंटू टू फोर, प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो टू प्लस एट प्लस फिफ्टी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो थ्री प्लस टेन प्लस एट्टी, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो टू वन जा टू, फोर टू जा एट, फाइव टू जा फिफ्टी। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो टू टू जा फोर, प्लस फोर टू जा सिक्सटीन, प्लस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे टू थ्री जा सिक्स, प्लस फोर फाइव जा ट्वेंटी, प्लस फाइव सिक्स जा थर्टी। फिर देखिएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे थ्री वन जा थ्री, प्लस फाइव टू जा टेन, सिक्स थ्री जा ट्वेंटी। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे थ्री टू जा सिक्स, प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी, प्लस सिक्स फाइव जा थर्टी। फिर सेकेंड रो थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, प्लस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, प्लस सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। तो सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे ये होगा फोर्टीन। सोलह चार बीस और पच्चीस बीस पैंतालीस, और इक्कीस सिक्स हो गया, और ये हो जाएगा थर्टी वन गया फिफ्टी सिक्स, और ये हो जाएगा नंबर वन चौदह छब्बीस पाँच। ये ए स्क्वायर जो आपका आया होगा फोर्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी वन फर्स्ट रो, सेकेंड रो आपका आ गया ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स, और थर्ड रो आ गया थर्टी वन फिफ्टी सिक्स एंड सेवेंटी। अब आपको ए स्क्वायर तो मिल गया, अब किसकी जरूरत है ए क्यूब की, तो अभी ए क्यूब फाइंड आउट किया है। ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ए क्यूब को तो हम ऐसे ले सकते हैं ए स्क्वायर ए ए ये लिखने के बजाय ए स्क्वायर ए इसलिए लिखा गया है क्योंकि ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ए स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर इक्वल टू जो आया है वो आपके सामने है फोर्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी वन, फिर हो गया ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स, फिर आ जाएगा थर्टी वन फिफ्टी सिक्स, और ये आ गया सेकेंड इंटू ए दी गई मैट्रिक्स वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना, तो ठीक है कोई बात नहीं, इनको भी हम मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फोर्टीन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन आएगा, ट्वेंटी फाइव से टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी आएगा, थर्टी वन से थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वन जब थ्री 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 जब नाइन नाइन। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो फोर्टीन टू टू जो गया ट्वेंटी एट, प्लस ट्वेंटी फाइव टू फोर हंड्रेड हो गया, थर्टी वन इंटू फाइव 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 वन जब फाइव और फाइव थ्री जब ठीक। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे फोर्टी टू ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव, थर्टी वन इंटू सिक्स वन एट्टी सिक्स। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ट्वेंटी फाइव
प्लस 90 प्लस 56 इंटू 3 सेकंड रो सेकंड पार्ट में 25 इनटू 2 50 प्लस 45 इनटू 5 180 आ गया प्लस 56 इनटू 5 80 सेकंड रो थर्ड पार्ट में 75 प्लस 45 इनटू 5 प्लस 56 इनटू 6 36 फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 51 प्लस 56 इनटू 2 112 प्लस 70 इनटू 3 210 फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम इस तरीके से 31 इनटू 2 60 प्लस 4 into 56 plus 23 third row third column 56 into 5 correct 280 plus that's so easy अब इनको सिंपलीफाई करेंगे जब इनको सिंपलीफाई करेंगे ऐड करेंगे तो देखा जाए क्या आता है 5 9 47 1 2 7 1 2 7 नेक्स्ट देखते हैं 8 5 8 5 13 और दूसरा करेंगे 5 2 7 7 6 13 1 8 1 5 2 7 7 8 15 5 1 8 1 2 1 8 किया गया फर्स्ट रो आ गया आपका 157 283 353 सेकंड रो आपका आ गया 283 510 636 और थर्ड रो आ गया 358 636 793 आप वेरिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं आप वेरिफिकेशन करने के लिए आप फ्रॉम इक्वेशन को
इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस एल पर ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई. दिस कैन बी रिटन ए क्यूब, ए क्यूब है आपका 157, 283, 353, 283, 510, 636, 1166, फिर 353, 636, फिर आगे 790, माइनस 11a2. 11a2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वह आपका आया 45, 56. Next is 31, 56, and 70. Minus 4a. A is to the 1, 2, 3, 4, 5. फिर इसके बाद देखा हुआ प्लस I. I का मतलब क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देखेंगे वह 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. अब यहाँ तक जब आप आ गए तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए. सिंप्लीफाई जब आप करेंगे हो जाएगा 157 प्लस सर माइनस 157 माइनस 11 × 40, ये दे रहा है आपके सामने 11 × 40, फिर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करके जब देखेंगे तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट आएगा आपका हो जाएगा ऐसे 283 माइनस 11 × 25 माइनस 4 × 4 प्लस 0. कैलकुलेट करेंगे ये क्या है 353 माइनस 11 × 31 माइनस 4 × 3 प्लस 0. कंप्यूट करेंगे 0 है. फिर 283 माइनस 11 × 25 माइनस 4 × 2 प्लस 0. कंप्यूट करने पर यह भी क्या देता है 510 माइनस 11 × 45 माइनस 4 × 4 प्लस 1. यह भी क्या देता है 646 माइनस 11 × 56 माइनस 4 × 5 प्लस 0. दैट इज आंसर 353 माइनस 11 × 31 माइनस 4 × 3 प्लस 0. दैट इज इक्वल टू 0. 636 माइनस 11 × 56 माइनस 4 × 5 प्लस 0. दैट इज आल्सो 0. 793 माइनस 11 × 70 माइनस 4 × 6 प्लस 0 सॉरी प्लस 1. दैट आल्सो बिकम्स क्या है स्टेज पर से देखा था कि ना मैं इस स्टेज पर कैसे इन पर एक चीज क्राइटेरिया ना, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड. हैंस वी कैन से दैट वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड से हमको कुछ स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड क्या आ गया 0 आ गया. इट मींस कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड. और अगर अब आपका कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गया है तो अब देखा जाए थोड़ा सा इसी मामले को और आगे बढ़ा देते हैं. मान लीजिए इसी से आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है. तो पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने जो प्रॉब्लम दिया गया था उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने दिए गए मैट्रिक्स को लिखा, लिखने के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद कहा चूंकि केले-हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगर ऐसा है तो आपने कहा इसको वेरीफाई करना,
और वेरीफाई करके देख लिया। अब अगर यहाँ से इनवर्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनवर्स ऑफ ए, यह निकालना चाहते हैं, दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो जो इक्वेशन नंबर टू है, हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय ए इनवर्स का इनवर्स ऑफ बी के, इक्वेशन टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई करें आएगा कि ए इनवर्स में ए इनवर्स से ए क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे क्या ए स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर में इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में कितना है ए माइनस 4 ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि ए इनटू ए इनवर्स से इक्वल टू क्या होता है आई हो जाएगा 4 आई प्लस आई में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आई इनटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स हम कुछ ये क्या ए इनवर्स अध्याय को ए इनवर्स इक्वल टू कर दिया का बाकी सब राइट हैंड साइड प्लस कुछ कर दिया ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 11 ए प्लस 4 आई माइनस ए स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है ए स्क्वायर दिस इसका 4 सॉरी 14 25, 45, 56, 31, 56, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, फिर थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। फिर इतना बड़ा होता है +4i, i नंबर का 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, यार और सिंपलीफाई कर देंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं -25, -25, -31, -25, -45, -56, -31, -56, -70 प्लस 11, 22, 33, 22, 44, 55, 33, 55, 66 प्लस 4, 0, 0, 4 से हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई करें 0, 4, 0, 0, 0 दिया गया है। अब इनको सिंपलीफाई किया है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको मालूम है तो ये जाएगा -14 + 11 + पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और तीसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे -21 + 22 + 0 -45 + 44 + 0 -56 + 55 + 0 -31 + 55 + 0 -56 + 55 + 0 -70
प्लस 66 प्लस सिंपलीफाई किया जाए तो देखिए 11 और 15 15 माइनस 14 1 ये माइनस 25 प्लस 22 माइनस 3 माइनस 31 प्लस 33 दैट इज 2 माइनस 25 प्लस 22 माइनस 3 माइनस 45 प्लस 44 प्लस 4 44 प्लस 4 48 माइनस 45 दैट इज 3 माइनस 56 प्लस 55 दैट इज माइनस 1 माइनस 31 प्लस 55 5 माइनस 1 4 हो गया और 5 माइनस 3 फिर हो गया माइनस 56 प्लस 55 दैट इज माइनस 4 और माइनस 66 प्लस 4 70 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 0 एक बार प्रॉपर कर लेते हैं माइनस 31 प्लस 33 प्लस 4 माइनस 31 ये हुआ स्क्वायर हो गया माइनस 31 प्लस 33 माइनस 31 प्लस 33 ये हो जाएगा आपका ठीक ये आपके दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा तो आपने देखा कि कैलेन हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है उसके हक कैसे हम कैलेन हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं और फिर आपने यह भी देखा कि कैलेन हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो था a टू द पावर माइनस 1 क्या कहें आप ये इनवर्स अगर ऐसे ही a टू द पावर माइनस 2 निकालना होता a टू द पावर माइनस 3 निकालना हो तो हम इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन इस पर प्रोसीड करने के लिए अब हम लोग नेट टर्म पर ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो प्रॉब्लम लेकर के आओ कि कैसे हम a टू द पावर दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स विधि हम कब करेंगे थ्योरम में फाइंड आउट करेंगे कैसे हम कैलेन हैमिल्टन थ्योरम को दिए गए मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करेंगे और कैसे इनवर्स के साथ साथ a टू द पावर माइनस 2 a टू द पावर माइनस 3 ये सारी चीजें अगर आपको निकालनी हो तो कैसे हम उसे फाइंड आउट करेंगे थैंक्स